हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आप सभी लोगों ने इतना चैनल को सपोर्ट किया उसके लिए आपसे पहले धन्यवाद। और आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं मैं कि सीसैप जो स्पेशल काउंसलिंग होती है, ठीक है, स्पेशल काउंसलिंग राउंड होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये बहुत इसके बारे में कई सारी मिथ्स हैं मार्केट में, तो आज हम उन सभी मिथ्स को फोड़ रहे होंगे। बस आप लोगों को करना है क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है और साथ में अभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सबको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा हो, ठीक है। अगर किसी के लो रैंक आई है और वो चाहता है काउंसलिंग करवाना, तो बस आपको करना है कुछ नहीं, हम आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप गूगल फॉर्म दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको फिल कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, एक हम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं उसके लिए, बिकॉज हमको लो रैंक वालों के लिए प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी और पूरी बेस्ट कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज दिलवाने के लिए। ओके, अब बात करते हैं रूल नंबर वन। देखो बहुत ध्यान से समझना, पांच ही रूल बताऊं, पांच ही रूल हैं और पांच के पांच आपको अच्छे से समझा दूंगा। रूल नंबर पहला क्या है कि कई बच्चे ये पूछते हैं, भैया अगर हमने जोसा काउंसलिंग में, हमने ये जोसा की काउंसलिंग थी उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो क्या हम अब सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो उसका आंसर ये है कि हाँ बिल्कुल, अगर आपने जोसा में फिल नहीं किया था जोसा को, तब भी आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उसकी कंडीशन है कि आप मेंस क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है, आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये रूल पहला था। अब बात करते हैं रूल नंबर टू की। अब भैया ये बता दो कि मैंने जोसा में पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, तो क्या अब भी मैं सीसैप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे मिथ्स हैं, बट बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं हमको। तो इसका आंसर सीधा सीधा ये है, ये रूल नंबर दो है कि अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, और आप फिर भी तब भी आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब कई सारे बच्चों में ये डाउट आएंगे कि भैया जोसा में वो फ्रीज फ्लोट ये सब क्या होता है, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में प्रॉपरली बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि फ्रीज फ्लोट और विड्रॉ क्या मतलब क्या होता है। ओके, सो आपको उसके लिए करना है चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे और बिल्कुल अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जाएगी, जो इस टाइम में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ओके, अब भैया एक बात बताओ, अगर हमने जोसा में सीट ले ली तब भी हम तो सीसैप में कैसे जाएंगे हम, है ना, ये बड़ा अच्छा डाउट है। हाँ, ये भी डाउट इस वीडियो में रिजॉल्व किया जाएगा आपका। अब बात करते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड हमारा क्या बोलता है कि अगर आपको, आप सुनो, कई बच्चे ये पूछते हैं भैया कि हमने जोसा में पार्टिसिपेट तो किया, हमको लेकिन कोई भी ना जोसा से सीट नहीं मिली, हमें कोई सीट मिली ही नहीं, अच्छा तो भैया क्या अब भी हम सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सवाल ध्यान से सुनना, भैया हमने जोसा में पार्टिसिपेट किया, हमको सीट नहीं मिली है कोई भी, क्या अब भी हम सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप अभी भी सीसैप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर भैया ये वाला केस था सीट नहीं मिली, भैया मैं ऐसा केस हूं कि मुझे सीट मिल गई है, क्या हुआ मेरे साथ कि मुझको सीट अलॉट हो गई है, अगर मुझे सीट अलॉट हो गई है तो क्या मैं जोसा में अब क्या अब मैं सीसैप में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा? तो उसका एक सीधा सा आंसर है, देखो अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको क्या करना है, आपको पार्शियल एडमिशन फीस देनी है सिर्फ, ठीक है, और साथ में एक और ऑप्शन है, वो ये है कि अगर आपने पार्शियल एडमिशन फीस दे दी है तो आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, बट एक और कंडीशन है इसके लिए, वो है हमारा अगला रूल, रूल नंबर पांच ये बोलता है, अगर आपने
रिपोर्टिंग के टाइम, बिकॉज जब आप सीट लोगे तो आप रिपोर्टिंग करने जाओगे, आपने रिपोर्टिंग के टाइम अगर ये वाले ऑप्शन, रिपोर्टिंग आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि नॉट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड। देखो मैं लिख दे रहा हूं, अगर आपने रिपोर्टिंग के टाइम नॉट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, ठीक है, अगर आप इसको यस कर दोगे, ठीक है, ध्यान से सुनो, आपको सीट मिल गई है, आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे गए और आपने ये कर दिया कि नॉट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, मैं आपने यस कर दिया, तो आप फिर सी सेप में नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। और अगर आपने इसको नो कर दिया, ठीक है, कि हाँ मैं पार्टिसिपेट करूंगा, अगर आप इसको नो कर दोगे तो आप सी सेप में जा सकते हो, ओके। तो बस ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सी सेप के बारे में, सी सेप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में था। बाकी हम अगली वीडियो में आप सभी से बात करने वाले हैं, फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ तीनों ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, मिलेंगे आप सभी सब एक और ऐसे ही अगली वीडियो के साथ में।